दोस्तों निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर 2 ने अपनी रिलीज के दूसरे इतवार को वह कर दिखाया है जो देश के सिनेमा इतिहास में हिंदी में रिलीज हुई कोई फिल्म अब तक न कर सकी। बता दें कि श्रीन देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर और मनीष माधवा स्टारर इस फिल्म ने रिलीज के 10वें दिन दूसरे शुक्रवार के मुकाबले 100% से ज्यादा की छलांग लगाई है और अब ये तय हो गया है कि फिल्म गदर 2 का कारवां जल्दी रुकने वाला नहीं। वही फिल्म का कलेक्शन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये फिल्म जल्द ही शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान के सबसे ज्यादा कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी। हिंदी में रिलीज किसी भी फिल्म का दूसरे रविवार के दिन सबसे ज्यादा कलेक्शन अभी तक फिल्म बाहुबली 2 का रहा है जिसने इस दिन 34.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म गदर 2 के रविवार देर शाम तक के कलेक्शन के जो शुरुआत रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये फिल्म रिलीज के 10वें दिन करीब 40 करोड़ रुपए कमाती दिख रही है। ये कलेक्शन फिल्म के दूसरे शुक्रवार को हुए कलेक्शन 20.50 करोड़ रुपए से करीब 100% ज्यादा है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 284.63 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दूसरे शुक्रवार के बाद शनिवार को भी फिल्म का कलेक्शन करीब 51% उछल कर 31.07 करोड़ रुपए रहा और दूसरे रविवार का कलेक्शन तो दूसरे शुक्रवार के मुकाबले अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। वही आपको बता दें कि फिल्म गदर 2 के दूसरे रविवार की कमाई मिलाकर अब तक करीब 376 करोड़ रुपए कमा चुकी है। फिल्म का कलेक्शन दूसरे हफ्ते में भी 400 करोड़ रुपए पार हो जाने की पूरी उम्मीद दिख रही है और फिल्म का कलेक्शन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो ये फिल्म पठान के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के इस सीक्वल में तारा सिंह और सकीना के बेटे जीते के पाकिस्तान जाने और फिर उसे वहां से वापस लाने के लिए तारा सिंह के पाकिस्तानी फौज से भिड़ने की कहानी दिखाई गई है। देश में सिनेमा के इतिहास में हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में दूसरे शनिवार को अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन फिल्म बाहुबली 2 का 34.50 करोड़ रुपए का रहा है। इसके बाद आमिर खान की फिल्म दंगल का नंबर है जिसने दूसरे शनिवार को 30.69 करोड़ रुपए कमाए थे। वही अब सनी देओल ने ऐसा करने वाले बॉलीवुड के अकेले एक्टर बन गए हैं। 65 साल की उम्र में सनी देओल ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसे तोड़ना हर स्टार के लिए बहुत मुश्किल होगा। आगे रक्षाबंधन की छुट्टी का भी फायदा गदर 2 को मिल सकता है। गदर 2 सिर्फ 80 करोड़ रुपए में बनी है जो अपने लागत से करीब 300 करोड़ से भी अधिक कमा चुकी है। वेल दोस्तों सनी देओल के इस सफलता पर आप क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।